सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंट एसकेएम 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से काफ़ी कड़े और बेहतरीन पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद से पुलिस की जानिब से मजीद चौकसी अख्तियार कर ली गई और बाकायदगी से गाड़ियों की तलाशी मुहिम, कड़न एंड सर्च ऑपरेशन और फ्लैग मार्च का अहतमाम किया जा रहा है। इसी तनाजुर में कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रात हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए फलकनुमा डिवीजन के तहत कालापत्थर पुलिस स्टेशन के अमले ने मिलकर बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च का अहतमाम किया। इस मौके पर तमाम अमले ने मिलकर आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च का अहतमाम करते हुए इलाकों में चल रही सरगर्मियों पर नज़र रखी और तमाम आवाम से इलाकों में चल रही सरगर्मियों के बारे में तफसीलात भी इकट्ठा की गई और आवाम में एहसास तहफ़ुज़ पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की यह खसूसी रिपोर्ट। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एसकेएम 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीज़न कालापत्थर पुलिस स्टेशन एरिया और बहादुरपुरा एरिया में आज आने वाले दिनों के लिए ये रमज़ान और इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए पब्लिक में भरोसा बढ़ाने के लिए एक फ्लैग मार्च किया गया। ये सीआरपी बटालियन, महिला बटालियन पुलिस और हमारे फलकनुमा एसीपी यादगिरी स्वामी, कालापत्थर इंस्पेक्टर राउत गोपी, बहादुरपुरा इंस्पेक्टर रघुनाथ और डीआई नरसिम्हराव, एसआई सब लोग भी पार्टिसिपेट किए। इस सिलसिले में हम लोग सबको बताना चाह रहे हैं, आप ये मॉडल कोड कंडक्ट ऑलरेडी लागू हुआ, कुछ भी जुलूस निकालना है, मीटिंग करना है, कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना, परमिशन लेके करना और मस्जिदों में, मंदिर में कुछ भी इलेक्शन के सिलसिले में कुछ भी नहीं करना और वोट मांगना भी ना रहता। और आप लोग कुछ भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी उसको ब्रेक कर रहे हैं तो आप लोग बेझिझक कंप्लेंट कर सकते। और पब्लिक में भी हम लोग ये बोल रहे हैं, आपका इबादत कर लो, आप इलेक्शन अच्छा कर लो और कुछ भी सिक्योरिटी का मसला है, हम आपके साथ है। आप लोगों को शुभकामनाएँ दे रहे हैं, आपको हम लोग को मुबारकबाद देते हुए ख़त्म करता हूँ। आज तकरीबन लोकल पुलिस और वो लोग मिलकर 100 आदमी आज फिरे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बिस्मिल्ला होटल से लेके कालापत्थर एरिया में फातिमा हॉस्पिटल और ये एरिया में बहादुरपुरा किशनबाग तक भी किया गया और ये पूरा भी एरिया पब्लिक में भरोसा दिलाने के लिए करा।